शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विश्वास शर्मा जिंदाबाद, विशु शर्मा जिंदाबाद, आ गया भाई आ गया, विशु शर्मा आ गया, आ गया भाई आ गया। पार्टी भारतीय जनता पार्टी में लगा चुका है और उसके बाद कुछ उनका जो है पीरियड थोड़ी ही देर के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने दामन पकड़ा हुआ था तो श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थितियां जो उनके कार्यक्रम और प्रोग्राम जो उनकी बताई हुई 130 करोड़ लोगों की सूचियां और जितनी उनकी 156 प्रकार की जो स्कीमें उन सब को मद्देनजर रखते हुए आज अपने मैं इनको ज्वाइन के लिए नहीं कहूंगा, ये बहुत सीनियर है, मुझसे भी सीनियर है, मैं आज जनरल सेक्रेटरी हूं लेकिन मुझसे भी सीनियर रहे हैं, पार्टियों में चलता रहता है, कुछ टाइम इनका बाहर गुजरा है, लेकिन मैं इस चीज को घर वापसी कहूंगा, श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी के जो हमारे छोटे भाई श्री निश्चल शर्मा जी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटी प्रेसिडेंट थे, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की क्यादत में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और इसके लिए भरपूर तालियां जो हैं एक बार फिर तालियां बजा जाए इनकी। निशु शर्मा जी हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान जी, गुलदस्ता कैसे खिल गया यह सिर्फ तो मैंने कहा नरेंद्र भाई मोदी की, जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान में ऐसा सलाम लाया कि 70 साल से जो पार्टियां हिंदुस्तान में लाई पड़ रही थी उनको ऐसा बलिया मेट किया, ये आप भी जानते हैं किया कि आज तक पूरा हिंदुस्तान में सलाम आ गया है। मैं ज्यादा टाइम ना लूं, मेरे और मेरे यहाँ भाई बहन जो भी आए हुए हैं मैं आज सबको बधाई देना चाहती हूँ। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जैसे कि हमारे जब से हमारे प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं मोदी माननीय मोदी साहब जी ने उनके रहते यहाँ दिन ब दिन पूंछ में तरक्की होती जा रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारी बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और आज हमारे बहन को मेरे भांजे लगते हैं निशु शर्मा जी, मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना ये हमारी पार्टी में आना चाहती है, ये पुराने हमारे वर्कर ही थे लेकिन हो जाता है कभी कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है और अपनी बहनों भाइयों को सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ आज के इतने बड़े दिन के लिए।
कहते हैं सुबह अगर घर से भूल कर चला जाए रात को घर आ जाता है उसको भूला नहीं कहते हैं, उसको घर का आदमी कहते हैं। ये हमारे घर के आदमी हैं और मैं फिर से इनको घर वापसी पर अपने घर पर आने के लिए इनको बधाई देता हूँ, इनको मुबारकबाद देता हूँ। बड़े मेहनती हैं, जोश रखते हैं, काम करने में बड़ी हिम्मत है इनकी, आते हम आगे चलने वाले व्यक्ति हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊँ भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, कि आज हमें गर्व होता है, फख्र होता है जिस पार्टी में हम चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम हिंदुस्तान है। हमारे प्रधानमंत्री कभी किसी हिंदू की, कभी किसी सिख की, कभी किसी मुसलमान की बात नहीं करते हैं, वो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, वो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को लेकर साथ चलते हैं। आज इससे बड़ा फख्र की क्या बात है कि 1950 में जब वो यहाँ पर एक बीमारी आई थी, वैक्सीन की जरूरत थी, कनेडा जैसे मुल्क ने हमारे मुल्क को 135 के 105 डब्बे में देख रहा था व्हाट्सएप पे, और हमें वैक्सीन मिली। आज हमारा मुल्क सारी दुनिया को वैक्सीन मुफ्त में और तोहफे में दे रहा है, दुनिया हमारे मुल्क के पीछे खड़ी है, हमारे प्रधानमंत्री से वैक्सीन मांग रही है, इससे बड़ा हमारे लिए फख्र की बात होगी। आज माता बहन जो है हर जो और घर में जो हम खाना बनाते और सिर्फ विकास कार्य में लगी हुई है और जिसके भी वापस एंट्री करना एक गर्व की बात है। मुझे लगता है आज निशु जी को बहुत प्राउड महसूस हो रहा होगा, वो गर्व महसूस कर रहे होंगे क्योंकि बीजेपी में बीजेपी को ज्वाइन करना अपने आप में गर्व महसूस करने वाली बात है। हिंदू मुस्लिम सिख जनता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, कोई पीएम नहीं है। मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से आपको शुक्रिया था, आप मेरे साथ यहां पर आए, दिल की गहराइयों से मेरी तरफ से बहुत 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 शुक्रिया। थोड़ी तफसील में बात करूंगा। आज 1992 1993 छोटा सा था तब बीजेपी में, थाना पूंछ के अंदर, और क्यादत किसकी थी? मेरे भाई पीछे बैठे विपिन शर्मा जी, मुझे आज भी याद है, पोल में ये नहीं चढ़ते थे हम, जैसे आज छोटू को चढ़ाते हैं ये मुझे चढ़ाते थे। 92 से लेकर 2015 तक अगर निशु शर्मा ने किसी झंडे के नीचे काम किया, जब मेरा वोट बना, परमात्मा मेरा साक्षी है, मेरा पहला वोट और 2015 में आखिरी वोट वो बीजेपी को था। पार्टी के लिए हमने को तीर नहीं मारे, इतने साल बीजेपी में रहिए, फर्ज है हर इंसान का। आप यहां बैठे हैं, किसी ने साफे डाले, किसी ने हार डाले, मैंने आपसे ज्यादा डाले, कोई हमें तीर नहीं मारे पार्टी के लिए, हमारा अपना फर्ज है, हम पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी जिंदा होगी, लीडर जिंदा होगा, देश जिंदा होगा, इसलिए कोई आसान नहीं कर रहा। आज प्रधानमंत्री जी को किसी ने वहां का तक पहुंचाया, जनता ने पहुंचाया, तो वो हमारे लिए बैठे, हमारे काम कर रहे हैं, हमारी कितनी परेशानी हल कर रहे हैं। इसलिए आज हमारा बीजेपी में दौड़ रहे हैं, बच्चा बच्चा जो बीजेपी में दौड़ रहा है वो किसी पर सवाल नहीं कर रहा, वो उसका अपना फर्ज है, वो उसका काम है। दूसरी बात, बीजेपी में जब हम चलते थे पूंछ की बात, प्रदीप शर्मा जी बैठे यहां पर, सारे बैठे, हर आदमी गवाह है उस चीज का। बीजेपी में इलेक्शन लड़ने के लिए उस वक्त कैंडिडेट को ढूंढना पड़ता था, इस बार ये रहा कुछ ही खड़ा करो। मेरे को याद है वो गल्ले वाले सरदार जी एक बार खड़े हो गए, अब नहीं गए शायद, एक दो आदमी और में थोड़ी दुदली जाते हैं मेरी, था ऐसा है, मुबारक है बड़ी, ठीक है नहीं। मतलब उस वक्त हम बीजेपी के कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए ढूंढते थे कि किसको खड़ा करें, वोट कितना आता था, की हुकूमत हिंदुस्तान में आज़ादी हासिल करने के बाद महात्मा गांधी के वो जो ख्वाब उन्होंने देखे थे कि हिंदुस्तान की हुकूमत कैसी होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने बग़ैर मजबूत मिलत हर हिंदुस्तानी के लिए, जो 130 करोड़ लोगों की आबादी है, सबके लिए उन्होंने वैसा काम किया। और ये कारोबार हुकूमत का तरीका जो देख के
जब हमारे प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है और हर आदमी के लिए कैसी हुकूमत, बूढ़े के लिए क्या होना चाहिए, बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, स्कूल कैसी होने चाहिए, सड़कें कैसी होनी चाहिए, पानी कैसी होनी चाहिए, किस किस चीज़ से, यानी कि कोई ऐसा शोभा नहीं है जहां हमारे प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा। उस हुकूमत को देख के, हुकूमत का तरीका देख के यहाँ भारतीय जनता पार्टी में अगर कुछ लोग नाराज़ थे, हमारे ये निश्चिंत सुदन साहब जिनको बड़ी कोशिश के बाद यहाँ लोगों ने, पुंछ सिटी के लोगों ने उनको समझाया और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए, हम उनका वेलकम करते हैं। उसे पार्टी बहुत मजबूत ही है यहाँ पुंछ में। हमारे यहाँ बाकी भी जो बचे हुए आदमी हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बन के अब उभरी है, यहाँ उसके सामने कोई दूसरा नहीं टिकेगा। इंशाल्लाह हम आने वाले ऐसे मजबूत हुए हैं कि जब उनको ये पता लगा कि हमने DDC के इलेक्शन में यहाँ मुस्लिम आबादी से, जहाँ प्योर मुस्लिम आबादी से, वहाँ बड़ी तादाद में वोट लिए हैं। अब मुसलमानों को जो गुमराह किया जाता था उससे मुसलमानों को समझ आ गई है कि ये नरेंद्र मोदी का काम जो है वो किसी मजहब के बेस पे नहीं है, पूरे 135 करोड़ लोगों के लिए, भारत की जनता के लिए है। वो पुंछ के लोगों को समझ आ गई है, पुंछ के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ बगैर मजबूत मिलत सारे के सारे शामिल हुए हैं, जिसमें सुदन साहब ने आज इतनी बड़ी सिटी के लोगों को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी का दमन थामा है। और कल ये जम्मू में जा रहे हैं, वहाँ भी हमारे बड़े अहम जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि पुंछ में जहाँ भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर समझा जाता था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है। और आने वाला इलेक्शन कोई भी कमल के फूल पे जो भी कैंडिडेट होगा वो बड़ी खुशी से जीतेगा। निश्चल शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन में इनको एक सीनियर लीडर थे, 5 साल के बाद अपने घर वापस लौटे हैं। तो उससे पहले भी ये मेरे साथ आए थे भारतीय जनता पार्टी में, फिर बीच में ये बेचारे, अपना मन होता है, कुछ चीज़ें पसंद आती हैं कुछ नहीं आती हैं, तो पर इनका मन हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी में लगा रहा, भारतीय जनता पार्टी में टिका रहा। और मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक ईमानदार व्यक्ति अगर कभी ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोलते भी थे तो इतना सोच कर बोलते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं कुछ भी ना बोलूँ। तो इनका मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है, आज ये भारतीय जनता पार्टी में फिर से आए हैं, तो मैं सोचता हूँ इनका मैं भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूँ। और फिर मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, अब मजबूती के साथ ये कोई छोटी मोटी बात हो, घर में भी दो भाई आपस में बहसते हैं, आपस में झगड़ते हैं, बाप बेटा झगड़ते हैं, बहन भाई झगड़ते हैं, तो घर में की बातें घर में ही रहनी चाहिए, ना कि घर छोड़कर जाना चाहिए। तो ये आप घर में ही रहेंगे और मजबूती के साथ घर में डटे रहेंगे, चाहे कोई छोटी मोटी बात हो, इनको कोई बात होती है तो ये आकर, मैं बड़ा भाई हूँ, चिश्ती साहब बड़े भाई हैं, राजेश जी और बड़े भाई हैं इनके यहाँ पर बैठे हुए, उनसे आकर ये सलाह मशवरा करें, हो सकता है इनकी ना हो, उस किसी बड़े भाई की गलती हो, उनसे कहें जी आपकी गलती है, पर अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है, मैं आज इनको अपने घर में सबसे पहले, अपने एक छोटा मेरे भाई हैं ये, मैं इनको अपने घर में जो है इनको मुबारकबाद देता हूँ और वेलकम करता हूँ। धन्यवाद। देखिए आज एक तरीके से BJP ज्वाइन भी है तो एक तरीके से मेरी घर वापसी है। आज मैं 1992 से लेकर 2015 तक BJP में रहा हूँ, बचपन से लेकर, बीच में आगे पीछे हो गए थे, चलता रहता है ऐसा कुछ, तो आज मैं फिर BJP में आया हूँ। BJP में इसलिए आया हूँ कि एक BJP ही है हिंदुस्तान के अंदर ईमानदार, हर कम्युनिटी को चलाने वाली, हर फिरके को चलाने वाली, बगैर किसी मजो मिलत, किसी भी एक कौम को ना टारगेट करते हुए सभी को साथ चलाते हुए ये BJP पार्टी है जो हिंदुस्तान में चल रही है। और नरेंद्र मोदी जी की क्यादत में एक ऐसे प्रधानमंत्री जो इससे पहले ना कभी आए तो शायद ना बाद में कभी आएंगे, जिन्होंने देश ही नहीं विदेश को भी जोड़कर चलाया। तो मैं अपनी तरफ से आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के हर यूथ को, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, अब बगैर किसी लोगों की बातें सुनते हुए नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखें,
भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, अगर आपने अपनी, अपने लोगों की, अपने देश की तरक्की कर रही है तो।